तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आ चुका हूँ रेनॉल्ट के शोरूम में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेनो काइगर और एक कंपैरिजन वीडियो आज हम शूट करने वाले हैं। तो वो कंपैरिजन वीडियो होने वाली है रेनो काइगर बेस मॉडल और टॉप मॉडल के बीच। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में ही। सो लेट्स गो। बात करें दोस्तों रेनो काइगर की, तो ये वाला जो मॉडल हमारे सामने खड़ा है ये है टर्बो वेरिएंट और ये वाला जो खड़ा है ये है नेचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट। ये बेस मॉडल है और ये टॉप मॉडल है। तो इस वाले में आपको मिलता है 1000 सीसी का इंजन और ये प्रोड्यूस करता है 72 बीएचपी की पावर एंड 96 एनएम का टॉर्क। और इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और एएमटी दोनों का ऑप्शन मिलता है। एएमटी में आपको ईजी आर मिलता है रेनो की तरफ से। यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिलता है इस गाड़ी में और काफ़ी ही मतलब अच्छा इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है इस इंजन को और लो ऑन मेंटेनेंस हाई ऑन फ्यूल एफिशिएंसी है ये इंजन। तो इसको बंद करते हैं और अब आते हैं टर्बो एडिशन की तरफ। तो इसमें मिलता है आपको 1000 सीसी का ही इंजन मिलता है इसमें भी, बट इसमें आपको आता है 100 बीएचपी की पावर और 160 एनएम का टॉर्क। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है। तो मैनुअल वाला अगर आप टर्बो लोगे तो उसमें 150 एनएम का टॉर्क मिलेगा और ऑटोमेटिक लोगे टर्बो में तो उसमें आपको 160 एनएम का टॉर्क मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। दोनों ही बेस और टॉप में आपको थ्री सिलेंडर यूनिट मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये रही बात इंजन की, यहाँ पर भी आपको इंसुलेशन दे रखा है पूरा। इसके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि ये भी काफ़ी रिफाइंड इंजन है और इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है ये इंजन। अब आते हैं इसके फ्रंट पे। तो दोनों ही गाड़ियों में ना आपको यहाँ मतलब बोनट पे आपको कैरेक्टराइज देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अग्रेसिव लुक देता है गाड़ी का। इसकी भी आपको सेम टू सेम मिलेगा, यहाँ पे देखो आप कैरेक्टराइज देखने को मिलेगा। अब आते हैं फ्रंट में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ऊपर दोनों ही गाड़ी में आपको DRL मिलता है। ये बेस मॉडल है, इसमें भी आपको DRL मिल रहा है, उसके नीचे इंडिकेटर और यहाँ पर भी आपको DRL मिल रहा है ऊपर और नीचे इंडिकेटर। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें आपको ट्विन हैलोजन सेटअप मिलता है और इसमें आपको ट्राई LED लैम्प सेटअप मिलता है, तो एक बात है। और दोनों ही गाड़ी में कोई भी आपको फॉग लैम्प का फंक्शन नहीं है। इस गाड़ी में आपको स्किड प्लेट नहीं मिलता है नीचे, बट यहाँ पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिलता है नीचे। यहाँ पे बीच में आपको क्रोम इंसर्ट्स नहीं मिलते हैं फ्रंट में, बट यहाँ आपको बीच में क्रोम इंसर्ट्स मिलते हैं, तो एक डिफरेंस है। तो ये था फ्रंट का डिफरेंस। अब आते हैं इसके साइड में। तो साइड में ना आपको यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ। ये है 195/60 R16, तो ये भी 16 इंचेस के टायर मिलते हैं। और इसमें आए तो इसमें भी आपको 195/60 R16, तो इसमें भी आपको 16 इंचेस के टायर मिलते हैं। तो टायर प्रोफाइल में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली डिफरेंस ये है कि इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं व्हील कैप के साथ और इसमें आपको अलॉय व्हील मिलते हैं मशीन कट अलॉय व्हील्स। और फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क मिलता है, इसमें आपको फ्रंट में डिस्क मिलता है, रियर में दोनों में ही ड्रम है। और दोनों ही गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इक्विवेलेंट है 205 mm का, तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ORV मिलते हैं जिसमें आपको LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल नहीं है, इसको आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है और यहाँ पे भी LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, बट ये वाला जो है इसमें आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है ये, तो ये एक डिफरेंस है। बाकी वाइट के ऊपर जो ब्लैक दे रखा है ना वो अच्छा लग रहा है, काफ़ी सूट कर रहा है। तो कहीं से भी ना आपको बेस मॉडल वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। इस तरफ आपको स्पेसिफिक जो वेरियंट है उसकी बैजिंग नहीं दी हुई है, बट यहाँ पर आपको RXZ की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक में आपको यहाँ पर डोर हैंडल्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक में बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, तो वो एक बात है। दोनों ही गाड़ी में आपको बी पिलर जो है वो ब्लैक्ड आउट मिलेगा और ए पिलर और सी पिलर आपको बॉडी कलर्ड मिलेगा। इस गाड़ी में भी वही सिस्टम है पूरा। इसमें आपको फंक्शनल रूफ रेल मिलते हैं जिसमें आप 50 kg तक का कैपेसिटी कैरी कर सकते हैं, बट यहाँ आपको नॉन फंक्शनल रूफ रेल मिलते हैं, तो एक बात है। अब आते हैं गाड़ी के रियर लुक पे। तो गाड़ी का जो गाइस रियर लुक है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, जैसा कि आप देखो मतलब उस वाले गाड़ी में भी आपको सी शेप का कॉम्बिनेशन लैम्प मिलता है और इस वाले मॉडल में भी आपको सी शेप का कॉम्बिनेशन लैम्प मिलता है। तो पीछे वाले हेडलैम्प में कोई डिफरेंस नहीं किया हुआ है। यहाँ पे भी आपको टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैम्प हैलोजन में मिलेगा। इस वाले में भी आपको टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैम्प आपको हैलोजन में मिलेगा। ये पूरा LED सेटअप है, इसमें भी आपको LED सेटअप मिलता है और ये बीच में आपको पूरा मतलब LED की स्ट्रिप मिलती है, तो एक अच्छी बात है।
40 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है दोनों ही गाड़ी में, तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी में कोई कमी नहीं है। इस गाड़ी में भी आपको स्पॉइलर मिलता है ऊपर इंटीग्रेटेड, और इस वाले मॉडल में आपको स्पॉइलर मिलता है इंटीग्रेटेड। दोनों में ही आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलते हैं इंटीग्रेटेड, उस वाले में भी, टॉप मॉडल में भी और इसमें भी, तो वहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि इस वाले में आपको बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको वॉशर नहीं मिलता है, वाइपर नहीं मिलता है, डिफॉगर नहीं मिलता है। बट इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे डिफॉगर, वाइपर, वॉशर सारी चीज़ें मिलती हैं। रिवर्स में पार्किंग कैमरा भी मिलता है यहाँ पे, और इस वाले मॉडल में आपको कोई कैमरा नहीं दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये चीज़। यहाँ पे रेनॉल्ट की बैजिंग, यहाँ काइगर की बैजिंग, और यहाँ आपको एंटीना मिलता है माइक्रोफिन में, फिन वाला, वो आप आफ्टर परचेज आपको लग के मिल जाएगा इसमें। तो ऐसा था कुछ इसका रियर से लुक। यहाँ पे आपको ब्रांड उसकी वेरिएंट की बैजिंग भी दे रखी है, जो गेयरबॉक्स यूज़ हुआ है उसका भी दे रखा है, टर्बो एडिशन है उसका भी दे रखा है। टर्बो एडिशन में क्या है ना कि आपको मतलब रेड इंसर्ट्स यूज़ किए हुए हैं गाड़ी में, तो वहाँ से ना आपको पता लग जाएगा कि टर्बो एडिशन है गाड़ी। क्लैडिंग दोनों गाड़ी में सेम दी हुई है, बिल्कुल सेम प्रोपोर्शनेट साइज़ का और डिज़ाइन का दे रखा है, तो क्लैडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और बार आप साइड से गाड़ी का लुक ले लो पूरा, देखो ये रहा बेस मॉडल और ये रहा गाड़ी का टॉप मॉडल टर्बो एडिशन में। तो ओवरऑल ये था एक्सटीरियर का पूरा एक कंपैरिजन। और एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको कि इसमें भी आपको 3-point सेंसर मिलते हैं, और जो बेस मॉडल है उसमें भी आपको 3-point सेंसर मिलते हैं, तो एक बात है। तो अब चलिए, अब चलता हूँ मैं आपको गाड़ी के इंटीरियर में लेके और दिखाता हूँ आपको गाड़ी का इंटीरियर। और उससे पहले ना आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोनों गाड़ी में ना एक दो सिमिलैरिटीज़ और हैं। वो क्या है कि आपको मतलब बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक ना आपको मतलब स्टैंडर्ड एयरबैग मिलते हैं। टॉप मॉडल में आपको 4 एयरबैग्स आते हैं और बेस मॉडल में आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। बट ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल्ड होल्ड असिस्ट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं बेस टू टॉप में, तो वो कोई अंतर नहीं है। मतलब फुली फीचर लोडेड और सेफ्टी लोडेड है बेस मॉडल भी काइगर का। तो अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आके। मोर ओवर जो भी बेसिक फीचर्स आ रहे हैं गाड़ी के, वो सारी चीज़ें आपको काइगर में प्रोवाइड की जा रही है, और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। तो दोनों ही गाड़ी में आपको 405 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, तो बूट स्पेस बहुत सफिशिएंट है गाड़ी का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आप अपना शोरूम पे आके उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं गाड़ी इंटीरियर का लुक। बात करें दोस्तों बेस मॉडल के इंटीरियर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक में आपको ब्लैक्ड आउट डोर हैंडल्स मिलते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा ये हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे आपको ग्लॉसी टच मिलता है इस गाड़ी में। ड्राइवर साइड आपको खाली ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड विंडो कंट्रोल ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको मैन्युअली एडजस्ट करने के लिए आउटसाइड रियर व्यू मिरर मिलता है, और यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी हुई है, और यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल स्टोरेज दिया हुआ है। कोई भी हाइट एडजस्टेड ड्राइवर सीट नहीं आती है, खाली आप उसको आगे पीछे और रिक्लाइन कर सकते हो। फुली फैब्रिक ड्राइवर सीट है, और मैं आपको जैसा बताऊं कि मतलब काफ़ी ही कंफर्टेबल इसके सीट्स हैं, काफ़ी कुछ नहीं, काफ़ी फोमी इसके सीट्स हैं, तो एक अच्छी बात है। एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलता है इस गाड़ी में। अब आते हैं स्टीयरिंग की तरफ। तो ऐसा है कुछ इसका ड्राइवर साइड स्टीयरिंग, और आप देखिए बीच में आपको रेनो का लोगो मिलता है यहाँ पे, और ये पूरा ब्लैक्ड आउट और पूरा प्लेन स्टीयरिंग है इसका। यहाँ पे कोई भी इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम नहीं है, ना ही क्रूज कंट्रोल है। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपको सेम जो स्पीडोमीटर है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो आपको ड्राइवर जैसा मिलता है, सेम टू सेम बिल्कुल ड्राइवर वाला दे दिया है इसमें बेस मॉडल में। बीच में आपको MID दे रखी है डिजिटल, और पूरा फुली डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है इसमें, तो एक अच्छी बात है। आपको यहाँ पे रियर AC मतलब AC वेंट्स मिलते हैं फ्रंट में। यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल करने का, यहाँ पे आपको फ्रंट वाला वाइपर कंट्रोल करने का, रियर में तो कुछ आता नहीं है। कोई भी म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पे आपको प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, बट आफ्टर परचेज आप लगवा सकते हो। मैनुअल AC मिलता है यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको हैजार्ड लैम्प का, बूट ओपनिंग का और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेफ्टी वाइज आपको सारे फीचर्स यहाँ मिलते हैं, तो सेफ्टी वाइज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, और जो जो फीचर्स आपको नेसेसिटी है वो चीज़ प्रोवाइड की गई है गाड़ी में। यहाँ पे आपको ये नॉर्मल सा आपको मिरर मिलता है, डे एंड नाइट मिरर, यहाँ केबिन लैम्प। ड्राइवर साइड आपको कोई मिरर नहीं, को ड्राइवर साइड आपको सनवाइजर में कोई मिरर नहीं मिलता है, और ड्राइवर साइड भी नहीं मिलता है आपको, तो एक बात है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 5-speed AMT में ये गाड़ी आती है, तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा परचेज करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्टोरेज दे रखा है, यहाँ पे सारा डमी बटन्स दे रखे हैं ये।
शेप में। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज दे रखा है, यहाँ पे आपको बेस मॉडल में आर्मरेस्ट मिलता है ये देखिए आप, और नीचे भी आपको काफी स्टोरेज मिलता है जैसा कि आपको टॉप मॉडल में दिया गया है। तो एक बात है, यहाँ पे आपको ये मिलता है, हैंडब्रेक मिलता है मैनुअल, और यहाँ पे भी आपको क्रोम टच दे रखा है। यहाँ नीचे आपको पूरा ऐसे खाली है, कुछ दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, हाँ एक छोटा सा। और उसके बाद ऐसा कुछ इसका पूरा फ्रंट लेआउट है, यहाँ पे आपको एयरबैग की प्लेसमेंट, यहाँ भी एयरबैग, यहाँ पूरा आपको पियानो ब्लैक का टच दिया हुआ है इस गाड़ी में। तो ऐसा था कुछ ओवरऑल फ्रंट का रिव्यू। अब चलते हैं आपको पीछे वाले सीट पे लेके और दिखाते हैं पीछे वाले सीट आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। अब आते हैं इसके रियर साइड डोर पे। तो रियर साइड डोर आपको कोई भी, मतलब आपको खाली फ्रंट में पावर विंडोज मिलते हैं, पीछे आपको मैनुअल विंडोज मिलते हैं, देखिए है ना। मतलब ये देख के मुझे मारुति की याद आ गई पूरी, ऐसा ना, ये लास्ट मैंने मारुति में देखा था, और बिल्कुल मारुति वाला चीज़ दे दिया इसमें रेनो ने। तो ये भी अच्छा यार सेफ्टी वाइज, मतलब कभी गाड़ी वाड़ी कहीं अटक जाए, कुछ हो जाए, तो इससे निकलने में आराम होता है। बट ठीक है, बेस मॉडल है तो इतना तो बनता ही है। तो यहाँ पे भी आपको पूरा ये टच मिलता है, क्या कहते हैं इसमें, ब्लैक में, पियानो ब्लैक में, और ये आपको पूरा हार्ड प्लास्टिक मिलता है। यहाँ पे भी स्पीकर का प्लेसमेंट, 1 लीटर बॉटल स्टोरेज का प्लेसमेंट दे रखा है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी में यार एम्पल स्पेस है, लेगरूम डिसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम भी अच्छा है गाड़ी का, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आपको कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। ये रहा इसका 405 लीटर का बूट स्पेस, आप देखिए पीछे से, यहाँ कोई आपको पार्सल ट्रे भी नहीं मिलता है। तो एक बात है, पीछे आपको कोई एसी वेंट्स नहीं है, बट 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। कंसिडरिंग द वेट ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे आप आराम से 3 एडल्ट को बैठा सकते हो, दो बच्चे को, मतलब 2 एडल्ट और 1 बच्चे को बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाइट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छी है गाड़ी की। तो एक बात है, बात करें दोस्तों इसके ड्राइवर साइड डोर की, तो यहाँ पे आपको सारे विंडो कंट्रोल ऑप्शन मिलते हैं। ड्राइवर साइड के लिए आपको ऑटो अप डाउन मिलता है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है, तो यहाँ उसका कंट्रोल दे रखा है, विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक कह सकते हो या फिर ग्लॉसी ब्लैक में आपको ये ओपनिंग, डोर ओपनिंग के लिए मिलता है। एक चीज़ और दिखाने आपको इस गाड़ी में, मतलब अब तो यूजुअली वो चीज़ देखने को नहीं मिलती, बट जो डोर लॉक अनलॉक करने के लिए जो वो था, वो अब यहाँ पे, मतलब रेनो आपको यहाँ देती है, यूजुअली आपको कार्स में यहाँ मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए, बट रेनो यहाँ देती है। तो कहीं ना वो जो पुरानी गाड़ियों में आता था पहले सिस्टम, उस चीज़ को रेनो ने मतलब कंटिन्यू रखा है, तो अच्छा लगा देख के काफ़ी दिनों बाद। यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक और ग्लॉसी ब्लैक में ट्रीटमेंट मिलता है, ये सारा आपको हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ आपको लेदर मटेरियल मिलता है सॉफ्ट टच के लिए, ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। एक बार आपको गाड़ी का थर्ड साउंड सुनाता हूँ मैं, ये देखो। तो ऐसा था गाड़ी का थर्ड साउंड, मतलब 4 स्टार रेटेड गाड़ी है तो फील हो रहा है, क्योंकि गेट वेट में ना लोड है इसके, ऐसा कुछ हल्का फील नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पीकर, और यहाँ पे मिलता है आपको 1 लीटर बॉटल स्टोरेज। ड्राइवर साइड की बात करें सीट की, तो एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, हाइट भी, और रिक्लाइन भी कर सकते हो, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं लेदर स्टिचिंग के साथ, तो थोड़ा क्योंकि टर्बो एडिशन है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो रेड इंसर्ट यूज कर करके दिखा दिया है कि हाँ ये टर्बो एडिशन है। और सीट्स का कंफर्ट भी यार काफ़ी अच्छा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे आपको। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो इस प्राइस पॉइंट पे मतलब इतनी सारी चीज़ें, काफ़ी कॉम्पैक्ट कार है ये, सिटी विटी में या फिर हाईवे ड्राइव करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में। काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी ड्राइविंग है, सस्पेंशन भी अच्छा है गाड़ी के, टायर का साइज़ भी अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, तो अब पावर भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है गाड़ी का, तो एक बात है। अब आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पे। तो ऐसा कुछ इसका स्टीयरिंग व्हील है, पूरा सर्कल स्टीयरिंग व्हील है इसका, कोई फ्लैट बॉटम नहीं है। बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत से रेनो का लोगो मिलता है पियानो ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पर आपको सारे इन्फोटेनमेंट कंट्रोल करने का मिलता है, और यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल करने का मिलता है, बट यहाँ से आप क्रूज़ का स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, MID को कंट्रोल कर सकते हो, और क्रूज़ को कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको क्रूज ऑन करना है तो वो यहाँ से होगा, ये देखो उसका स्विच यहाँ दे रखा है इन्होंने। तो एक बात है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें आपको मैंने बताया था कि टर्बो वाले एडिशन में आपको मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक भी आता है, तो स्पेसिफिकली ऑटोमेटिक में ना आपको इसमें एक्सट्रॉनिक आता है। तो एक्सट्रॉनिक जो है वो रेनो का अपना गेयरबॉक्स है CVT, तो मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है, क्योंकि डस्टर में भी यूज़ हुआ है, तो टेस्टेड एंड प्रूवन गेयरबॉक्स है ये, तो 5 स्पीड में आता है ये आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है, ऊपर हल्का हल्का क्रोम का टच दे रखा है पूरे गेयरबॉक्स में, देखिए आप।
तो इसका गियर बॉक्स वगैरह काफी मतलब ब्लैक के साथ ना काफी ही जच रहा है ये इंटीरियर के साथ पूरा। आपको एक तो ब्लैक इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में। यहाँ पे आपको इको स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड का ही फंक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है। यहाँ आपको हल्का सा स्टोरेज मिलता है। ऑटोमेटिक एसी मिलता है यहाँ पे आपको, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का भी फंक्शन मिलता है। तो उसका बटन यहाँ दे रखा है। यहाँ यूएसबी चार्जिंग, यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन। तो इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सारी चीज़ें मिलती हैं। प्लस आप अपने फ़ोन को मतलब जो फ़ोन का रेप्लिका होता है वो आप इस स्क्रीन में लगा सकते हो। मेरे कहने का मतलब कि आप पूरा पूरा जो आपका फ़ोन का स्क्रीन है ना वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक बात है, वो भी ये पूरा आपका काम कर देगी। आर्कमाइज़ का आपको इसमें सराउंड साउंड मिलता है। इस गाड़ी में आपको चार ट्विटर मिलते हैं और चार स्पीकर मिलते हैं। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ दे रखी है, देखिए आप, एक वहाँ पे और एक वहाँ एंड पे, एक एंड पे, और बाकी तो डोर्स पे, वही पीछे चल के दिखाएंगे इस चीज़ को। तो स्टेयरिंग व्हील में भी आपको हल्का हल्का ग्लॉसी ब्लैक का टच दे रखा है पूरा। 17.78 सेंटीमीटर का आपको ये TFT कॉन्फिगरेबल MID मिलता है इस गाड़ी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक्चुअल में ना इस गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए मैं आपको ऑन करके दिखा नहीं पा रहा हूँ, वरना पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मैं आपको ऑन करके दिखाता इस चीज़ को, बट सॉरी उसके लिए। यहाँ पे आपको ये पूरा ये मिलता है, हार्ड प्लास्टिक मिलता है। इस गाड़ी में आपको सेफ्टी वाइज चार एयरबैग आते हैं, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, सारी चीज़ें मिलती हैं। तो एक बात है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा रेड इंसर्ट्स दे रखे हैं गाड़ी में, कहीं क्योंकि टर्बो एडिशन है ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखाने के लिए कि टर्बो मॉडल है, तो उस हिसाब से ना आपको ये सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर रखी है। दो ग्लोव बॉक्स मिलते हैं इस गाड़ी में आपको, एक ऊपर और एक नीचे, और ये बहुत ही डिसेंट साइज का ग्लोव बॉक्स, आप देखिए मतलब बहुत ही डीप है ये, और इसमें आपको कूलिंग फंक्शन के साथ आता है ये, तो एक अच्छी बात है। यहाँ आपको रियर डिफॉगर, हजार्ड लैम्प, डोर लॉक करने का और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का मिलता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, तो इस गाड़ी में आपको ABS, EBD, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल होल्ड असिस्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको बेस टू टॉप मिलती हैं। तो स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, खाली डिफरेंस इतना है कि टॉप वेरिएंट्स की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे कुछ चार एयरबैग मिलेंगे, एक स्टेयरिंग पे, एक साइड में और बाकी दो सीट्स पे। तो वो एक बात है। नॉर्मल से आपको IRVM मिलता है यहाँ पे, या कोई लैम्प का प्लेसमेंट। ये आपको को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर मिलता है, इसमें आपको ग्लास मिलता है, और ड्राइवर साइड जो मिलता है उसमें ग्लास नहीं मिलता है। ये ऊपर आपको यहाँ पे ब्लूटूथ का माइक, और इसका जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट है, खाली टेलीस्कोपिक नहीं है, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको ये वाइपर वॉशर कंट्रोलर मिलता है, और यहाँ पे आपको ये हेडलैम्प का कंट्रोलर मिलता है। तो एक बात हुई, तो ऐसा था ओवरऑल इसका कुछ फ्रंट का डैशबोर्ड का ओवरलुक। यहाँ पे आपको बताऊँ तो एडजस्टेबल ये नॉन एडजस्टेबल है इसका आर्मरेस्ट, बट इसका जो साइज़ है ना वो काफ़ी डिसेंट है, तो हाथ रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दो जने भी रखेंगे तो। मैनुअल हैंडब्रेक मिलता है, और ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक में दिया हुआ है। ये पूरा लुक देखोगे तो एक जो मतलब एक लग्जूरियस कार में मिलती है ना आपको, तो वैसा पूरा इसका लेआउट दे रखा है, और काफ़ी ही प्यारा लग रहा है यार ये चीज़। मतलब रेनो की तरफ से एक्सपेक्टेड नहीं था, बट रेनो ने उस चीज़ को किया है, तो काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। तो इसमें भी आपको नीचे स्टोरेज मिलता है, ये मैग्नेटिक फंक्शन के साथ आता है देखिए, और बहुत ही डीप स्टोरेज है इसमें, तो आप फ़ोन वोन बॉटल वॉटल सब चीज़ें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट नहीं मिलते हैं, नॉर्मल सीट बेल्ट्स हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके पिछले सीट में, और आपको दिखाते हैं इसका पिछले सीट का एक्सपीरियंस। सो लेट्स गो। बात करें इसके रियर साइड डोर की, तो यहाँ पे भी आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, ये पूरा आपका हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पे, और पीछे भी आपको ना मतलब पूरा ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दे रखा है, ये देखो यहाँ गेट पे भी और यहाँ पे भी। तो ओवरऑल देखा जाए ना, तो पूरे गाड़ी में आपको कहीं भी ना वो जो फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट होता है ना कलर का, वो नहीं होगा। गाड़ी पूरी ब्लैक है, तो आपको पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट गाड़ी में बढ़िया से मिल रहा है, बिल्कुल दबा के रेनो की तरफ से। यहाँ पे आपको 1 लीटर वाटर स्टोरेज, यहाँ स्पीकर, यहाँ ट्विटर, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था, इसमें आपको चार स्पीकर और चार ट्विटर की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ ये इसका डोर लॉक अनलॉक करने वाला, तो एक बात है। पीछे भी आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको आइसोफिक्स माउंट्स मिलते हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बीच में आपको आर्मरेस्ट मिलता है, और यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर्स प्लस ये फ़ोन रखने का प्लेसमेंट मिलता है। तो एक अच्छी बात है, यूजुअली ये जो फ़ोन रखने वाला प्लेसमेंट है ना, ये कंपनीज मिस आउट कर देती है, बट रेनो दे रही है यहाँ पे आपको। 60-40 सीट आती है, सॉरी। और ये पीछे आपको रियर में पार्सल ट्रे मिलता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ इसका पीछे का रियर का लेआउट है,
और सीट्स भी काफ़ी कुशनी और काफ़ी फोमी है आगे पीछे दोनों की। आगे वाली जो सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है और मेरी हाइट है 6 फीट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ लेगरूम है मेरे पास इस गाड़ी में, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही मुझे बैठने में यहाँ पे। और कंसिडर द वेथ ऑफ द व्हीकल, यहाँ पे आप आराम से ना मतलब बीच में, क्योंकि नेग्लिजिबल हम्प है ही नहीं यार, बिल्कुल भी, बिल्कुल जीरो है यहाँ पे, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है एक तरीके से। तो यहाँ पे ना आप आराम से 3 एडल्ट को बैठा सकते हो अगर चाहो तो, और वरना वैसे 2 एडल्ट और 1 बच्चा आराम बहुत प्यार से बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शोल्डर रूम में भी दिक्कत नहीं होगी, लेग रूम में भी दिक्कत नहीं होगी, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे, तो एक अच्छी बात है। और आप देखो मेरी हाइट है 6 फीट, तो हाइट में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, मैं बहुत प्यार से बैठा हुआ हूँ। स्पीड ब्रेकर से सब भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में, तो हाइट भी अच्छी है, शोल्डर रूम भी अच्छा है और 3 एडल्ट आराम से बैठ जाएंगे गाड़ी में, तो एक अच्छी बात है। पीछे आपको यहाँ पे ये मिलता है, एसी वेंट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। तो ऐसा था, एक बार और पीछे से ना आप गाड़ी का लुक ले लो आगे से डैशबोर्ड का, तो यार मतलब बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है बाहर से भी अंदर से भी। मैस्कुलिन लुक है गाड़ी का आगे पीछे से, बट उतना ही प्यारा गाड़ी का इंटीरियर भी दे रखा है इसमें। यहाँ पे आपका केबिन लैम्प हो गया, तो ऐसा पूरा गाड़ी का एक पीछे से लेआउट था, आगे का भी लेआउट था। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, ड्राइवर को ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलते हैं, बाकी को ड्राइवर और पैसेंजर्स के लिए ग्रैब हैंडल दे रखे हैं। दोस्तों ऐसा था टाइगर के बेस मॉडल और टॉप मॉडल का एक छोटा सा कंपैरिजन। तो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन हमें कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और दोबारा से आपको दिखा दूँ, ये है टॉप मॉडल, ये है बेस मॉडल, तो दोनों का ही प्राइस आपको एक शोरूम और ऑन रोड स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जा सकते हैं, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, जो भी मॉडल परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। एंड दोबारा से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे आपके लिए। और कंपैरिजन चाहिए होगा टाइगर किसी भी और गाड़ी से तो वही बताना मुझे, देख लो ब्लैक कलर में अच्छी लग रही है वैसे गाड़ी। एंड थैंक यू सो मच।